सेवा संघ की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं शेख साहब का भाषण सुन रही थी, क्योंकि उन्होंने मराठी में भी बोला, पर्शियन में भी बोला, अरबी में भी बोला और इंग्लिश में भी बोला, तो मैं उनका वक्त में सुन रही थी, क्योंकि अभी मैं स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, बहुत जगह जाती हूँ, बहुत लोग के कार्यक्रम अटेंड करती हूँ, बहुत लोगों का भाषण सुनती हूँ। लेकिन आपने जो बोला अपने स्पीच में, चाहे वो अल्लाह तआला की बात हो, गर्ल की बात हो, या एजुकेशन या तालीम की बात हो, या शिक्षा की बात हो, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शुरुआत हमें धारावी से करनी चाहिए और यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आगे जो भी समाज की उन्नति होती है, जो भी आगे समाज बढ़ता है, हमारे बच्चे अगर प्रशासन में जाएंगे, हमारे बच्चे जहाँ कानून बनता है वहाँ पे जाएंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ के इस देश में जो क्लीन पोस्ट है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कितने परसेंटेज बच्चे वहाँ गए हैं। अगर हम आई एस देखे, IPS देखे, हम CA देखे, हम ये देखे, तो हमारे कितने परसेंटेज बच्चे वहाँ पे गए हैं। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि बचपन से ही इन बच्चों को ऐसी तालीम दे, ऐसा वातावरण तैयार करें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो ये पढ़ाई करें। और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ये ऐसे माहौल में आते हैं तो एक पवित्र माहौल है यहाँ पे, कि आप सभी लोग इतने बड़े पैमाने पे पूरी तरह से आप जो है वो कुरान के बारे में हमारे सोनू भाई ने बताया। मुझे लगता है कि हमें क्या आगे और करना चाहिए। जैसे कि मैं आज कार्यक्रम में आने से पहले मैंने सोनू को कहा था कि मुझे सोनू नहीं होगा, क्योंकि मुझे आज हमारे बेटे का बर्थडे है, वो दो दिन के बाद धार गाँव जा रहा है, तो मैंने बोला उनको कि आज मुझे नहीं होगा, लेकिन सोनू बोला ताई आप 5 मिनट के लिए तो वैसे भी करके आके जाओ। तो यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ जब मैंने बच्चों को देखा कि इतनी बड़ी तालीम उनको मिली है, उनके दिल में और उनके जहन में जो है वो कुरान के माध्यम से जो सीख मिली है, मुझे लगता है बच्चों की तुम्हारे सामने आगे आने वाले भविष्य हमारे आप हो। तो आपके माध्यम से अगर ये बच्चों की जो सोच है और ये अच्छा माहौल जो सुनू तुम लोगों ने तैयार किया, तुम्हारे सेवा संघ को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ इसी में काम नहीं करते। मैंने इनको देखा है, मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि चाहे वो कोविड का समय था तो कोविड में अनाज बांटने की बात हो, कोविड में खाना देने की बात हो, बीच में मैंने देखा कि वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन करने की बात हो, बच्चों के लिए अगर किताब देने की बारी आती है, टेक्स्ट बुक, तो वो देने की बात हो, अलग अलग कार्यक्रम बच्चों के लिए साधारण लोगों के लिए यहाँ से ये संस्था के माध्यम से लगातार चलते रहते। और खुशी इस बात की मुझे है, मैं जो भी संस्था के मेंबर है उनको